गोरखपुर जिले में 19 मई को होने वाले दो लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिख रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में सभी जोनल सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की बैठक दीक्षा भवन के सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन के अलावा भारत निर्वाचन आयोग से नामित सामान्य प्रेक्षक मलय घोष, पुलिस प्रेक्षक सुधीर पोरिका, SSP सुनील गुप्ता, CDO अनुज सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SDM सदर प्रथमेश कुमार, SDM सैजनवा सुरनीत कौर, SSP प्रमोद बोत्रे, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ADM सिटी सामान्य प्रेक्षक, DM व SSP ने अपने संबोधन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए। SSP सुनील गुप्ता ने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में अपने पावर का पूर्णता इस्तेमाल करते हुए मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा कि मतदेय केंद्रों पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। EVM और VVPAT को अच्छी तरह से प्रयोग करें ताकि मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। मैं ADM सिटी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं वो ब्रीफिंग को शुरू करें। परम सत्य जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, PS अधिकारी हम और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी और आपसे आपको बहुत सी चीजें ऐसी बताई जाएंगी जिस ऐसे बिंदुओं पे हम लोग आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है और उस समय आपको अपनी 6 बजे उपस्थित संबंधित ARO SDM साहबान को या SOC साहबान जो हमारे एडिशनल SDM हैं, इन सबके जो अपने अपने क्षेत्र के ARO हैं उनको अपनी उपस्थित बता देनी है कि हम लोग मौजूद हैं। पोलिंग पार्टी आने से पहले ही आपको आना है ताकि आप ये देख लें कि आपकी पोलिंग पार्टी की बसेस कहां कहां पर खड़ी हुई है, किसमें आपकी पोलिंग पार्टी जाएगी उसका बस नंबर वगैरह आपको अपना ले लीजिए ताकि अपनी पोलिंग पार्टी को गाइड करने में सुविधा रहेगी कि हमने हमारी बसेस यहां पर खड़ी हुई है। सभी बसेस में स्टीकर लगा होगा जिसमें कौन सी पोलिंग पार्टी उस बस में जा रही है वो आपको डिस्प्ले रहेगा सभी बसेस के स्क्रीन पर। और यहां पर एक चार्ट भी लग जाएगा कौन सी पोलिंग पार्टी किस मतदेय स्थल पर जा रही है, तो आपको ये सब चार्ट से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी कौन सी पोलिंग पार्टी संख्या है, किस मतदेय स्थल पर जा रही है और किस बस के माध्यम से जा रही है। ये सारी सूचना आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सी जगह पेपर्स भी चश्मे किए जाएंगे, इसके अलावा बड़े बड़े फ्लैग्स भी लगा दिए जाएंगे। 15% एक्स्ट्रा VVPAT है तो किसी भी कंडीशन में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि पीठासीन अधिकारी वो VVPAT खुली धूप में खोल ले। ये है तो आपको ये घूम घूम के देखते रहना है कि आपकी पोलिंग पार्टी कहीं VVPAT के डब्बे को खोल ना दे। और दूसरा जो उसका VVPAT का पीछे ब्लैक बटन होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन मोड में। अगर उस बटन को खड़ा कर दिया किसी ने तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसका जो पोल पर्ची छापने का रोल लगा है वो गिर सकता है। में लगे VVPAT प्रिंटर में जाएगी, सिंपल प्रिंटर है जो बैलेट यूनिट में वोट दबा के इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं जो डेवलप होती हैं वो VVPAT प्रिंटर में जाती है, वोट दिया गया है उसकी पर्ची डिस्प्ले करता है। तो 7 सेकंड के लिए वो मतदाता ये जान सकता है वोट दिया, जिस चुनाव चिन्ह को वोट दिया वो पर्ची VVPAT में दर्ज हो गई है और उसकी तीनों सूचना चुनाव चिन्ह, कैंडिडेट का नाम और उसका सीरियल नंबर, ये तीनों सूचना VVPAT में उसे दिखाई देगी। 7 सेकंड बाद वो पर्ची कट के नीचे गिर जाएगी। तो अगला मतदाता ये नहीं जान सकता है कि हमारे पिछले मतदाता ने किसको वोट दिया है। चुनाव में एक भी मशीन खराब होता तो पूरा सेट चेंज होगा इंक्लूडिंग VVPAT, है ना। यदि केवल VVPAT खराब होता है केवल VVPAT रिप्लेस होगा ताकि इसमें लाजिक यही है VVPAT केवल प्रिंटिंग मशीन है उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, CDC फंडा। यदि CUV है तो फिर पूरा सेट बदलेगा, VVPAT का तो केवल VVPAT।
सब मतदाता पर्चियां बांट लेनी है। आपको अपने दौरे के दौरान रैंडमली ये चेक करना है and another incident that appeared that the number of votes pulled in as per the Secretary of State's report. So this is a very, very serious issue, and it may lead to anything. So I request all the Secretary of State to be serious, and also their administrative officers also, so that this report should be taken up seriously. The presiding officer should fill up the register, their 17A and 17C forms, they should be filled up properly. And the sector magistrate should also fill up the their reports with all the columns filling. आप लोगों की गाड़ी 17 तारीख को आपको मिल जाएगी, वाहन कचहरी क्लब से आपको मिलेगी। कलेक्टर के सामने कचहरी क्लब सर, आप सभी जानते हैं चिल्लू पार बांसगांव सहजनवा कैंपियरगंज चौड़ी चौरा आपको 17 तारीख को मिल जाएगी। और शेष जो तीन बचे हमारे पिपराइज गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण आपको 18 तारीख को मिल जाएगी। जो पुलिस अफसर हैं वो जिला मजिस्ट्रेट और जिला कप्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये रख ले कि आप मौके के अफसर हैं, आपके पास 12 बूथ हैं, 10 बूथ हैं, 10 केंद्र हैं, आप ही उसके डीएम और एसपी हैं। अपनी पावर्स, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, आप सभी लोग एग्जाम पास करके आए हैं, आपको पता है, आपको अपनी ड्यूटियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जनाब हमें ब्रीफ नहीं किया गया, हमें कोई प्रोसेस नहीं मिला, हमने पढ़ नहीं पाए, हमें टाइम नहीं मिला, इट इज ऑफ नो एक्सक्यूज। पहली बात मेरी ये है। दूसरी बात, आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और 200 मीटर के बारे में पता होना चाहिए कि 200 मीटर या 100 मीटर की जो आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई इशू ना हो। तीसरी बात, आपको मीडिया हैंडलिंग भी आनी चाहिए मौके पर। कई बार व्हाट्सएप पर तरह तरह की क्लिपिंग्स आ जा रही हैं, मीडिया आप फोटो खींच रहा है किसी बंदे की, आपकी सिक्योरिटी फोर्स वाले की। सेक्टर पुलिस अफसर का काम है कि वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं मतदान केंद्र पर वो अच्छे से ब्रीफ हो, उनसे कोई हाथापाई ना हो जाए, बेवजह का कोई इशू ना हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए। छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, किसी का नाम नहीं है उसको धक्का देके बाहर कर दिया गया, बदतमीजी हो गई, उससे बाद में उसका नाम निकला, अल्लाह मुश्ता है। ईवीएम की कस्टडी कहीं भी टीम से बाहर नहीं जानी चाहिए, और ना ही टीम निर्धारित रूट, निर्धारित बस और निर्धारित मतदान केंद्र से हट करके जानी चाहिए जब तक कि वो वापस स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं आती है। इन सब के कस्टोडियन आप लोग हैं, आपकी निगरानी है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सुरक्षित मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाए। मिले या मतदान का जो कर्मी है वो कहीं नहीं मिला है, केवल जहाँ वोटिंग का जो आपका प्ले कार्ड वो बॉक्स है वहां जाने की इजाजत हम में से आप में से किसी को नहीं है। पोलिंग एजेंट्स के बारे में कई बार शिकायत आ जाती है कि हमारे सुरक्षा कर्मी बाहर कर दे रहे हैं उनको, फिर वो निष्पक्षता, निडरता और जो पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी की परिभाषा है वो सब तहस नहस हो जाती है। ये मेरी छठी बात है। सातवीं बात, कोई मोबाइल फोन वगैरह अंदर अलाउ ना करवाएं, आप बार बार ब्रीफ कर रहे हैं अपने लोगों को। और जो प्रैक्टिकल बात अभी विधान जी ने कही वो बहुत अच्छी कही, आप अपने सेल फोन के साथ एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर भी ले जाइएगा और कोशिश करिएगा अपनी वाइफ का भी ले जाइए चार्जर, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी अगर बैटरी, क्योंकि आपकी बैटरी 17 तारीख से चालू होगी और 18 तारीख की रात तक करनी
और फोन कितना होगा पता नहीं होता है कितना फोन, कई बार 3 घंटे 4 घंटे लगातार आप बात करिए फोन डेड हो जाता है, आपको फोन किसी सूरत में डेड ना हो। और आखिरी बात है, हमारा देश एक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और उसकी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इलेक्शन कराना। इसको यदि आप देशभक्ति से जोड़ेंगे, आपको ये मौका मिला है अपने देश के लिए सेवा करने का, आपको कहीं कश्मीर नहीं जाना है, पाकिस्तान बॉर्डर नहीं जाना है, आपको चाइना से नहीं लड़ना है, आपको सकुशल निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है, यही आपके लिए। अगर आपके मन में 1% भी देश सेवा का ख्याल आता है कभी कि हम कुछ देश के लिए कर सके, तो यही 36 घंटे 48 घंटे अपने ढंग से देखें तो सामना करेंगे तो उसको सफल भी रहेंगे। हो सकता है बारिश हो जाए अच्छा, भूत संबंधित कोई शिकायत या समस्या है, वैसे खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, टेबल नहीं, मेज, छोटे छोटे समस्या जो भी है वो BSA के नंबर दे रहा हूँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये अपने टीचर के माध्यम से, वहाँ का अपने कर्मचारी के माध्यम से छोटे छोटे कमियां सही करा देंगे। वैसे हर कमरे में पंखा लगाए इस बार, शौचालय की साफ सुथरी की व्यवस्था इन्हीं का जिम्मेदारी है, तो स्कूल प्रांगण के अंदर जो भी कमियां है ये BSA का जिम्मेदारी, इनका नंबर है 9453-00-4147 9453। दोबारा रिपीट करने चाहता हूँ, मोबाइल फोन किसी के पास अलाउड नहीं है 200 मीटर के अंदर, भले वो वोटर हो, भले जो भी हमारा मतदान कर्मचारी हो, भले जो भी फोर्स हो, यदि हम लोग तो इन्फॉर्मली तो थोड़ा अलाउड रखते हैं, पिटासीन अधिकारी का रखने के लिए अधिकार है वैसे, बट साइलेंट मोड में रखेंगे, बार बार बातचीत नहीं करेंगे। और बाकी किसके पास, यदि सरकारी कर्मचारी के पास है, यदि वो सुझाव बनाएगा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, 12 तारीख के चुनाव में एक घटना हो गई, एक वोटर आकर के अपने वोट डाला, उसको व्हाट्सएप में फोटो खींच करके सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, उसके बाद हम लोग को एफआईआर करना पड़ा, फिर पिटासीन मतदान अधिकारी सबको ऊपर कार्रवाई करना पड़ा, इसलिए ये कजनी विधानसभा में नहीं हुआ, संत कबीर नगर के संत कबीर नगर में हुआ। अब बार बार कहने के बाद भी मैं किसी के बैलेट का जो है उसका तो खोलने में किसी का भी अधिकार नहीं है, भले कुछ भी मत डालता है बट उसका अधिकार नहीं है डिस्क्लोज करने की, किसको करना है किसको देगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, कितने बार कहने के बाद भी गलती हो जाता है, और कार्रवाई करने के बाद हमला मचाने में उससे बेहतर तो हम लोग पहले बचाएंगे। और तो एजेंट के बारे में कप्तान साहब ने कुछ डिटेल में बताए थे, एजेंट तो बहुत जरूरी चीज होते हैं ताकि जो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है कि नहीं उसको एक तरफ वही विटनेस है, वही एविडेंस है, साफ तौर पर एजेंट उसी गाँव का रहने वाले होते हैं, उनका जो यदि कैंडिडेट के माध्यम से नहीं तो उनके एजेंट के माध्यम से नियुक्ति होते हैं, बट ये क्या है कुछ पार्टी जानबूझ करके दबंग में उनके एजेंट को रखवा देते हैं, बस वो बाकी लोग दबाने के लिए, डराने के, धमकाने के लिए, वो आप यदि पिटासीन अधिकारी शिकायत करता है जरूर वो कंसर्न कैंडिडेट के एजेंट को बता दीजिए रिप्लेस करने के लिए, एजेंट कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो एजेंट जो वहाँ जो बूथ का एजेंट है वो चुनाव का जो प्रत्याशी नहीं तो प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट होते हैं जनपद में 1 का 2 का हम लोग प्रमोशन दे रखा उनके माध्यम से, तो एजेंट का जो बूथ एजेंट है कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप 6 बजे तक चुनाव है 5:50 में भी आपको शिकायत मिल रही है चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। वैसे एजेंट को यूजुअली तो रिप्लेसर के साथ 2 एजेंट भी एक आदमी लगा सकते हैं, बट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही एजेंट रहेंगे, मान लीजिए तो सुबह से एक आदमी दोपहर तक रह रहा उसके बाद दूसरे एजेंट आ सकता है, उसका तो कंसल्ट जो एजेंट का जो पर्ची लेके आता है उसका आईडी कार्ड जो उनका पिटासीन अधिकारी बनाएंगे फिर वो बाहर एजेंट रहेगा। एजेंट का सतर्क रहना 2 चीज में बहुत जरूरी है, एजेंट का यदि कमरा के अंदर व्यवस्था होता है तो कमरा के अंदर रखिए ताकि एजेंट का इम्पोर्टेंट रोल है पर्ची मतदाता पहचानना, ताकि आप बाहर का हम भी बाहर का हम लोग नहीं जानते हैं जो गांव का वोटर कौन है उनका नाम क्या है वही आप वोट डाल के नहीं उसी के समय में वही चैलेंज कर सकता है। यदि एजेंट प्रांगण के बाहर चले जाता है तो ये 2 बजे शिकायत मिलता है, जो उदाहरण के तौर से बता रहा हूँ प्रतापगढ़ में कुंडा में भी ऐसे शिकायत मिली है, करीब 150 एजेंट को बाहर करा दी गई, किसी का त्रुटि हो गया वहाँ, मान लीजिए पोस्ट भी बाहर का है, पंजाब का पोस्ट है, बाहर का पोस्ट है, उनके जानकारी नहीं रहता है ताकि वो मतलब एकदम बिना एजेंट का इलेक्शन हो गया ये बड़ा शिकायत होगी कमीशन में, ताकि बिना एजेंट का इलेक्शन कमीशन आ जाए त्रुटि में मानते हैं एकदम पैसे कूद के आते हैं, इसलिए एजेंट वहाँ रहना बहुत जरूरी है, एंड एजेंट नजर भी जो वोटर के ऊपर और हमारा पोलिंग पार्टी के ऊपर रखना भी जरूरी है, ताकि हमारा पार्टी भी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज से वो शिकायत होने के माध्यम से होता है, एंड एजेंट हमेशा मॉकपोल के समय में मौजूद रहता है, उनका सिग्नेचर ले ली जाती है, चुनाव समाप्ति के बाद
इतने मत पड़ा है वो चीजें हम एजेंट को देते हैं। इसलिए एजेंट का रोल बहुत जरूरी होता है। एजेंट का थोड़ा ऐसे जगह बैठाए रखिएगा ताकि वो दूर से देखे रहें। उनके पास किसी भी सूरत में मोबाइल फोन, वाटरलेस और कुछ चीज नहीं होना चाहिए था। भले वो काली कागज रख सकता है, कलम रख सकता है, उसके अलावा कोई मोबाइल और कोई चीज नहीं होना चाहिए, ताकि यही तो सूत्रधारी है। इन्हीं लोग सूचना देते हैं फलाना जगह तो वोट पड़ गया, फलाना जगह नहीं आया है, इसी की वजह से लाल नजर चलता है। इसलिए एजेंट के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सब भी पहुंचते हैं एक बार ऐलान कर दीजिए, सब किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए था, एक बार दो बार एजेंट को प्रिंटिंग करा दीजिए। अब तो पहले तो आपके सामने तो नहीं है, तो साथ में मंगा करके रख दिया तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है।